नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 4 अगस्त को ग्राम पंचायत गर्रा कनकी चांगोटोला नगरवाड़ा चमरवाही में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों के अलावा जनप्रतिनिधियों एवं नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश डेहरवाल, लांजी विधायक हिना कावरे मुख्य रूप से शामिल रही। मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्र के अनुसार नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रथम सम्मेलन और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया, जिसमें सरपंच, उप सरपंच व ग्राम के समस्त पंचों द्वारा गांव विकास को लेकर शपथ ली गई और सभी ने एक साथ मिलजुल कर कार्य करने का फैसला लिया। इस दौरान ग्राम के बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों का श्रीफल और गमछा देकर सम्मान भी पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 और उसके अंतर्गत बने नियमों को निहित उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धापूर्वक सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ ली गई। वहीं ग्राम विकास की दीर्घकालीन योजनाओं को बनाने और गांव का समग्र विकास करने, सभी को शुद्ध पेयजल प्राप्त होने, सभी को रोजगार मिले और पंचायत क्षेत्र आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने की शपथ संकल्प के साथ ली गई। सर, आज ग्राम पंचायत चमरवाही का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और इसके बाद में एक मीटिंग भी आपके द्वारा यहाँ आहूत की गई। क्या प्राथमिकता रहेंगी अब ग्राम पंचायत चलाने में, क्या लक्ष्य है आपके? हम लोगों को हमारी पंचायत ने जो जीत का जनादेश दिया उसका सम्मान करते हुए हम हमारे ग्राम पंचायत चमरवाही के विकास के लिए सभी लोगों के सहयोग के साथ हमारे पूरे पंच परिवार के सहयोग के साथ हमारी प्राथमिकता होगी पूरे पंचायत का विकास करना, एक एक व्यक्ति का विकास करना और पंचायत के विकास में 4 चांद लगाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हमारी पूरी क्षमता के साथ हम लोग काम करेंगे पूरे पंचायत परिवार के साथ में। ऐसी हम लोग, यही हमारी आशा है और इसी उम्मीद के साथ हम पंचायत के प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आए हैं। पंचायत नगरवाड़ा का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, किन प्राथमिकताओं के साथ यहाँ पे आज शपथ ली गई और क्या प्लानिंग रहेगी ग्राम पंचायत को एक उत्कृष्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए, विकास कार्यों को लेकर? ग्राम पंचायत नगरवाड़ा में आज नगरवाड़ा एवं चनेवाड़ा से हमारे पूरे 17-18 पंच एवं सरपंच एवं आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम ये संपन्न हुआ कि जब बालाघाट जनपद के तहत ग्राम पंचायत नगरवाड़ा 77 पंचायतों में प्रथम और अग्रणी इस पंचायत को विशेष रूप से रखना है, ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसकी मैं निश्चित रूप से चिंता करते रहूँगा और ग्राम पंचायत में विकास कार्य जो हमारा निरंतर चल रहा था और इसको तेज गति से मैं करने का प्रयास करूंगा। अभी ग्राम पंचायत चुनाव में निर्वाचन के बाद में ही मैंने लगभग 55 लाख की गौड़ खनिज से 1 रोड एवं 3 सीमेंट रोड की स्वीकृति प्रदान करके लाया हुआ है। इसके पूर्व में भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य हुए हैं और इस गति को और आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हमारे पूरे पंच, हमारा उप सरपंच, हमारे सरपंच सभी लोग मिलकर के हम पंचायत का विकास करेंगे और बालाघाट जनपद बल्कि जिले में नंबर 1 की पंचायत में बनाऊंगा। बच्चों की समस्याओं को देखते हुए हाई स्कूल की व्यवस्था मैंने पहले ही वचन दे चुका है कि पूर्व में जब मैं सरपंच था तो माध्यमिक शाला लाया हुआ था और अब 9वीं एवं 10वीं और इस क्षेत्र में क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, आरएसएस का व्यक्ति हूँ, मेरी सरकार है और मेरी सरकार है तो मेरा मंत्री भी है। मैं इस क्षेत्र में परिक्षेत्र में नगरवाड़ा में मेरे पास 14 एकड़ जमीन यहाँ उपलब्ध है। महिला कन्या महाविद्यालय मैंने लाने का प्रयास करूँगा और जितनी भी रोड है
उन रोड़ों को विधिवत रूप से हमारे किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, मैं इस बात का वचन देता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा मुझ भी। आज ग्राम पंचायत चांगोटोला का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, आप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, बड़े जोश शोर के साथ में आपने चुनाव लड़ा, इस बार भारी ऐतिहासिक मतों से आपने विजय प्राप्त की, क्या प्राथमिकता रहेंगे भैया आप प्रभार मिलने के बाद में, ऐसे कौन से कार्य जो सबसे पहले आप कराना चाहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो मेरे गांव के जितने बुजुर्ग हैं आज मैं उनका मान सम्मान कर रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ शपथ के पहले पूर्व, जैसा होता है जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा कहना चाहिए भारत की प्रथा है कि पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद, उसके बाद शपथ ग्रहण और उसके बाद कार्य। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं गांव को सर्वप्रथम चांगोटला ग्रीन, हरा भरा चांगोटला और सुसज्जित चांगोटला की साफ सफाई, शासन की जितनी योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए और वहां चेहरा देख कर के नहीं कि जिसको सही में ज़रूरत है उस गरीब को जो अंतिम छोर में मेरे ग्राम में बैठा हुआ है उस तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। पेयजल को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं हमेशा, साफ़ सुथरा पेयजल, मैं कलेक्टर साहब से मिला अभी 3 दिन पूर्व, उन्होंने उनसे मिलते ही से सर्वप्रथम मैंने उनसे यही बात की, माननीय रामकिशोर कावरे जी हमारे विधायक मंत्री उनसे भी मैंने यही बात रखी कि ग्राम पंचायत चांगोटोला में सर्वप्रथम आप देख रहे हैं शायद ये हम यहीं खड़े हैं पानी टंकी, कलेक्टर साहब ने बोले कि आप शपथ ले लीजिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद सर्वप्रथम आपकी पानी टंकी पेयजल व्यवस्था उसको दुरुस्त करेंगे, गांव की जितनी भी सड़कें हैं वो सर्वप्रथम साफ़ सुथरी होंगी, व्यवस्थित होंगी और उनका चौड़ीकरण करेंगे और ग्राम में जितना भी सौंदर्यीकरण हो सकता है वो हम करेंगे। पंचायत के विकास के लिए काम करने के लिए सरपंच बने हुए हैं और इस पंचायत का विकास करेंगे और सभी लोग को लेके चलेंगे।